अस्सलाम वालेकुम, मुबशिर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन शनवारी कढ़ाई। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए चल के देखते हैं। हमारे सुबह सुबह का आगाज़ हुआ फुलरवान गांव से, जहां हमने पहुंचते ही कश्मीरी चाय से शुरुआत की। तो चाय पीने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गोश्त ले लिया जाए, तो हम लोग गोश्त लेने के लिए मार्केट पहुंच गए हैं। ये गांव के कुछ खूबसूरत से मंजर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं नहर पे। यहाँ तीन किस्म की नहर है, दो छोटी है साइडों पे और एक बड़ी। हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पार्क की जहाँ हम लोग छोटी नहर को क्रॉस करके आगे जा सके। इसके गांव में आया हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ के बहुत खूबसूरत मंजर हैं। तो हम लोग जो यहाँ की स्पेशल चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले ये पीछे हमारे नहर है, इसके बाद जो आदिल हमें एक कढ़ाई बना के खिलाएगा जो कि इस इलाके की बहुत स्पेशल है। तो आइए हम आदिल से गपशप करते हैं। आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह जी शनवारी कढ़ाई है और अब बारी आती है चिकन को साफ करने की। तो हमसे पहले यहाँ पे गांव के कुछ लोग यहाँ बर्तन और कपड़े धो रहे थे, तो हमने सोचा हम लोग भी यहाँ पे अपना चिकन को धो लें। चिकन को ताज़ा पानी से धोना बहुत ज़रूरी था, तो हम लोगों ने नलके के साफ पानी से चिकन को अच्छी तरह से दोबारा वॉश किया। जी तो हमने चिकन धो लिया है, अब आदिल जो है वो आज क्योंकि कुकिंग कर रहा है तो इसलिए हम इसके हाथ का टेस्ट चेक करेंगे। तो अब ये क्योंकि प्रॉपर गांव का माहौल है तो इसलिए हम लोग जो है ना आज प्रॉपर गांव के माहौल में आपको चिकन कढ़ाई खिलाएंगे। आदिल ने सबसे पहले अपनी कढ़ाई में एक कप ऑयल ऐड किया। हम लोग जो चिकन को धो के लाए थे अब वो एक एक करके इसमें शामिल करेंगे। इसमें कुछ शामिल किए आदिल ने लहसुन के पूरे पीसीज, इसको मैश नहीं किया इसने। उसका कहना था कि इसका जो टेस्ट है वो इसी तरह आएगा और इसको हम चम्मच के ज़रिए से मैश कर देंगे बीच में।
माशाल्लाह से ये छिलके उतर रहे हैं आपके जी, और ये तो यार केचप ये वो कुछ चीज़ें वगैरह ये फालतू डाल रहा हूँ, इसका कोई मेरी कढ़ाई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप लोग लाए तो डालता हूँ। मैं अपने सारा डालता हूँ, मुझे पता है इंशाल्लाह कि मैं जो बेहतर है मेरे लिए। जी भाई, इसमें हमने जो है सिर्फ काली मिर्च और नमक और टमाटर, बस ये तीन चीज़ें डाली हैं, और इसमें ही हमारी कढ़ाई बनेगी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बनती है इसमें, क्योंकि ऐसे कोई गर्म मसाले वगैरह हमने डाले हुए नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने देखे जी, ये दम पे लगा दिया है, और बस 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो जी ले आओ, पूरा भी ना बिस्मिल्लाह।